तो एसयूवी में रेप का मामला सामने आया जिसमें कंपनी में काम करने वाले एक शख्स ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से 4 साल तक संबंध बनाया। वहीं पीड़िता को पता चला कि उसने दूसरी शादी की है तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं आरोपी ने पीड़िता का एटीएम और बैंक अकाउंट जब्त कर लिया। एसपी ने पूरे मामले की जांच एएसपी को दे दी है। मरवास चौकी क्षेत्र की महिला है जिसने आज एक आवेदन पत्र दिया है कि उसके गांव के रहने वाले ही सुरेश जायसवाल नामक व्यक्ति ने उसके साथ इंदौर में मंदिर में शादी कर ली थी और उसका कहना है, आवेदन पत्र में उल्लेख है कि यहां फिर से उसने शादी कर ली है। इसकी हम जांच कराएंगे और अगर ये तथ्य पाया जाता है कि उसने वहां उसके साथ गलत संबंध बनाए हैं तो जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई कर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे।